अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का निकिता तोमर की हत्या को लेकर प्रदर्शन। बल्लभगढ़ में एक तरफा प्यार में बहन निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा निकिता के परिवार वालों के साथ आ गया है और हत्यारे को तुरंत फांसी की मांग करते हुए पूरे देश में आंदोलन करने की रणनीति तय कर रही है और सरकार से मांग की है कि यदि हत्यारे को शीघ्र फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी। इसी क्रम में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मुरादाबाद इकाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवेंद्र सिसोदिया के निर्देशन एवं जिलाध्यक्ष राणा उदय भान सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया और हत्यारों को सरेआम फांसी देने की मांग की गई। ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया है और मांग की गई है कि यदि जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी। सिंह सिसोदिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जी, क्या प्रदर्शन किया गया है, किस संबंध में? निकिता तोमर हत्याकांड के हत्यारों को तुरंत ही चौराहे पर फांसी देने की हमारी मांग है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, अगर वो इस मामले में शीघ्र सुनवाई करते हैं तो ठीक है, वरना हमारा देशव्यापी बड़ा उग्र आंदोलन इस मामले में चलाया जाएगा। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, लोग खुलेआम सबके सामने गोलियां मार रहे हैं और उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि उसको तुरंत फांसी पर लटकाया जाए बीच चौराहे पे।